मध्यांशन बारह पांच बजे सुखनाशो उपदेशक शास्त्रीय प्रतिष्ठा द्वितीय खंडम अनिवार्य प्रथम पत्र विषय संस्कृत साहित्यम। सारं यत्रता सत्पुरुष प्रधानम् सर्पण भूमि का पाद विस्फोट का नाम सर्पण भूमि लोकापाद विस्फोट का नाम प्रस्तावना कदलिका करीना राहुल
सारंग यत्र लभा सत्पुरुष व्यवहाराणाम अकाल प्रापित उनकल हंसानाम विसर्पण भूमिर लोका पास विस्फोट का नाम प्रस्तावना कपट नाटकस कदलिका काम करिया वध्य साला साथी आवश्य राहु जीवा धर्मेंदु मंडलस महामंत्री सुनास राजकुमार चंद्रा पीपो लक्ष्मी के स्वरूप के बारे में उपदेश दे रहे हैं। लक्ष्मी का स्वरूप कैसा है? इस भौतिक जगत में बहुत सारी वस्तुओं का जैसा व्यवहार है, लक्ष्मी का भी वैसा ही व्यवहार है। प्रस्तुत गद्यांश में जिसकी चर्चा है, इस गद्यांश के अनुवाद को जानने से पूर्व कुछ अपेक्षित बातें जानने योग्य है। जैसे द्वारपाल के हाथ में देव का डंडा है तो वह उसके प्रभाव से लोगों को तितर बितर कर देता है, वह लक्ष्मी भी सज्जन पुरुष है, उस पुरुष को भी भगा देता है। पुनः अकाल वर्षा, यह अकाल वर्षा की चर्चा है। मुहूर्त चिंतामणि यात्रा प्रकरण के अनुसार पूस माघ फागुन और चैत्र में होने वाली वर्षा अकाल वर्षा कहलाती है। वर्षा ऋतु में हंस मानसरोवर चले जाते हैं, किंतु जब असामयिक वर्षा होती है तो वर्षा ऋतु का भ्रम हो जाता है और वे वहाँ उत्तरापथ की ओर प्रस्थान करते हैं। उसी तरह से लक्ष्मी भी लोगों में जो निहित गुण है, दया पुण्य सहानुभूति इत्यादि को भी दूर कर देती है। साथ ही साथ त्वचा फोरों उत्पन्न करने के लिए जगह है, उसी प्रकार से लक्ष्मी भी लोक निंदा बनाने वाली है, उसके आधार भी है। और नाटक हम देखते हैं तो प्रस्तावना है नाटक में, और प्रस्तावना के विषय में कहा गया है कि सूत्रधार नाटक में जहाँ नटी से पारिपार्श्विक से प्रदूषक से बात करते हुए विचित्र युक्ति के द्वारा कथा वस्तु का संकेत कर अपने कार्य का विवरण प्रस्तुत करता है, उसे हम प्रस्तावना कहते हैं। तो प्रस्तावना के बाद ही नाटक का आरंभ होता है। तो छलना लक्ष्मी, छलना से ही लक्ष्मी का भी श्री गणेश। पुनः गजराज मक गजराज इस तरह से बगीचे में विचरण करता है, तो उसी तरह का व्यवहार लक्ष्मी का भी है। और साथ ही साथ देखते हैं कि कैसे ही राहु युवा चंद्र को ग्रस्त है, इस तरह से यह भी धर्म को निगल जाती है। प्रस्तुत का भाव यही है। अब इसका कल्याण सामान है सारंगता सत्पुरुष व्यवहार नाम वेद की छड़ी है भगाने के लिए। सत
के लिए राहु की जीवा है।